जितनी बेहूदी ये खुद है उतने ही बेहूदे इनके कपड़े, और उससे भी ज्यादा बेहूदी इनकी कॉमन सेंस। बस इनमें एक क्वालिटी है, इन्होंने कपूर खानदान में जन्म लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाल की खाल विद डीजे में। तो हमारी आज की इस वीडियो में बात होगी इन्हीं सोन परी, अरे सोनम मैम, अच्छा अभी भी नहीं पहचाने, अरे अपने अनिल सर की बेटी, अब तो पहचान गए होंगे जी। वैसे ये 17-18 खुद की मूवी कर चुकी हैं, बट इनको पहचान तो आज तक नहीं मिली। इनको लगता है कि हम अपने बाप दादाओं के जरिए बॉलीवुड में आ तो जाएंगे। पर बेटा चलोगे कैसे, हम ऑडियंस इतनी भी बेवकूफ नहीं है। वैसे खुद को ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड मानती है। इनको लगता है कि बस कॉमन सेंस इन्हीं में है, फैशन सेंस इन्हीं में है। साले मैंने कुछ पूछा सब तो बस इनको कॉपी करने के लिए पैदा हुए हैं। इन मतलब इतनी गलत फहमी लाते कहाँ से हो बे, सच में गट्स बहुत है। आपकी मूवी को ना अगर 100 कट लगाकर भी हम देखें तो तब भी 10 मिनट आपके एक्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर पता है कोई मॉर्निंग किसी का पेट साफ ना हो ना तो इनकी मूवी दिखा दो, बंदा वॉशरूम से बाहर ना निकले। सच में कोई पहली बार खाना बनाए और वो जला दे, वो जला हुआ खाना खा सकते हैं यार, बट इनकी एक्टिंग तोबा। हमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे हमें किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का कोई शौक तो नहीं है, बस एक बात पूछनी थी मैम, दिल को छू गई। आपको कोई और नहीं मिला था? आई नो यार, समझते हैं बहुत मुश्किल होगा, आप में ऐसा है क्या जो कोई आपसे शादी करेगा, लेकिन फिर भी दादाजी से शादी कर डाली। तोबा तोबा तोबा, जब आपके दिमाग में शादी का ख्याल आया होगा तो आपने अनिल सर से ये बोला होगा, डैड 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 मेरा कन्या दान करा दो। अनिल सर ने मना कर दिया होगा तो बस गुस्से में आपने दादाजी से शादी कर डाली। अरे आपके बाप के भी बाप लग गए हैं ये तो। क्या बोले मस्त, ऐसे इतने बाल तो ना गोरिल्ला के शरीर पर नहीं होगे, इतने बाल तो अनिल सर की छाती पर भी नहीं होगे, जितने बाल इन सोना मांटी की गर्दन पर हैं। सेविंग करती हैं, देखिए ये क्या है, मतलब कुछ भी। वैसे पता है अगर इनकी एक्टिंग की बात करें तो सुना है इन्होंने थिएटर सिंगापुर से किया है। सच में यार, इनसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो रिपब्लिक डे पर हमारे स्कूल वाले बच्चे कर लेते हैं। पर क्या करें, वैसे इनके घर वालों तो इनको सपोर्ट किया नहीं होगा क्योंकि उन्हें भी पता है कि क्या उगा है हमारे घर में। आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जब 15 साल की थी इन्होंने वेटर का काम किया है, इनको पता था इनसे कुछ ना हो पाएगा, नल्ली है। लेकिन फिर एक नल्ले भाई साहब अभय देओल, अच्छा इनको भी नहीं जानते, कोई बात नहीं इनकी तारीफ बाद में होगी। उन सर ने इनको मजाक में ये बोल डाला, आप मोहतरमा इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। जे बात, डूब गई लुटिया। मतलब मैम तो उन नल्ले सर की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले गई, इतनी सीरियस तो हम अपने स्कूल के टीचर को भी नहीं लेते। जितनी ये मैम उन नल्ले अभी देवल जी को ले गई, बस। और फिर भी इतना भी ठीक था, इन्होंने समझाया दिल को, ये चल दी। लेकिन बस अभय सर से हमारी खुशी ने देखी गई, उन्होंने रोक डाला, ये बोल डाला, खिसिया के आगे बढ़ जाना इस देश का सबसे आसान काम है। I'm dying to see Disneyland and statue. ओ बस लग गई इनकी ईगो को बात, हो गई हल। इनको पता है आज तक किसी ने इनसे ऐसी बात तो नहीं की। भारत से लेके अलीगढ़ और फिर दिल्ली तक ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था।
जे बात, बस लुटिया डूब गई। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और पता है यार, नेपोटिज्म ना इनसे शुरू होता है, सच बोल रही हूँ। और एक बार को ना, जो स्टार किड्स के बच्चे होते हैं ना, उनको सबको फायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ इस नेपोटिज्म से, पर इन मैम को ना कुछ ना फायदा हो जाएगा। बस ये बात इन मैम के दिल को छू गई। खोई हुई हिम्मत जैसे एक झटके में वापस आ गई। इनको पता था इनको ऐसी वैसी बात तो कोई करने वाला है नहीं। तो बस मैडम ने अपनी ऑडियंस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बस ये अत्याचार का युग तभी से शुरू हो रहा है। तो मैम सच बोले, एक्टिंग वैक्टिंग आपसे ना हो पाएगी। वो बचपना था। ओ अच्छा, चलो अब आप तो मानने आए ना आपने, छोड़ दीजिए। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ठीक है, हम सोन परी सोडम मैम को यहीं पर स्ट्रगल करते हुए छोड़ कर चलते हैं। और लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इसको सोनम मैम समझिए और थप्पड़ लगा दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर ब्रश करते हैं तो हंसते भी रहिए। नमस्कार।